Hi स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल Today इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिप्टोग्राफी इन computer नेटवर्किंग सो so, जो क्रिप्टोग्राफी होती है ये बेसिकली यूज होती है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ठीक है so, सो यहाँ पर जो सबसे important चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है ठीक है फर्स्ट है क्रिप्टो एंड सेकेंड वर्ड है ग्राफी सो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ठीक है सो हिडन राइटिंग यानी कि ऐसी राइटिंग में किसी चीज को लिखा गया है जिसे एंड यूजर्स नहीं समझ सकते हैं ठीक है सो क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन ओके इट इज अ टेक्निक फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू and communication through use of code use of codes so that so that only those only those person for whom for whom the information is information is intended uh, information intended can understand कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट एंड प्रोसेस इट ओके सो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को याद रखनी है ठीक है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एक डेफिनेशन दी होगी एंड वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि ये क्रिप्टोग्राफी है स्टगेनोग्राफी है ठीक है so, सो वहाँ पे अगर डेफिनेशन पता होगी तो हम लोग इजिली उसे चेक कर सकते हैं ठीक है सो so, ये बेसिकली एक टेक्निक है हमारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए जिस कि जिसमें क्या होता है कुछ कोड्स होते हैं कुछ कोड्स को यूज़ किया जाता है सो so दैट वही पर्सन उसे समझ सके जिसके लिए ये डिज़ाइन की गई हो ठीक है so सो ये मतलब होता है क्रिप्टोग्राफ़ी का अब क्या होता है इसमें ये क्या करता है अनऑथोराइज एक्सेस जो होता है इन्फॉर्मेशन का उसको कंट्रोल करता है जैसे कि ये कंप्यूटर सिस्टम है ठीक है इसके अंदर एक फाइल है ठीक है एक पी फाइल है मान लीजिए इस पी फाइल को हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी से जो है वो हाइड किया हुआ है ठीक है सो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन के लिए ये बनाई गई है उसको पता होगा कि इस क्रिप्टोग्राफी को यानी कि इसको अगर इंक्रिप्ट किया है तो उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है एंड कैसे समझना है कि इस फाइल में इस पी फाइल में क्या लिखा हुआ है ठीक है सो वो एक पर्टिकुलरली उस टाइप के यूज़र के लिए डिज़ाइन की जाती है राइट So thus preventing unauthorized access to information. And in cryptography, the techniques which are used to protect information, it uses some techniques. It uses some techniques to protect the information. To protect information are obtained from are obtained from mathematical concept. Mathematical कॉन्सेप्ट्स ओके सो ये वाले जो भी कोर्स होते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जिन कोर्स की बात की है ये जितने भी कोर्स होते हैं ये ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं बनाए जाते इनके पीछे कुछ रूल्स होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ही उन कोर्स को डिजाइन किया जाता है ठीक है तो यही मतलब है कि इन क्रिप्टोग्राफी द टेक्निक्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स बेस्ड कैलकुलेशंस नोन एज एल्गोरिदम्स ठीक है इनको एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं सो दीज एल्गोरीदम्स आर बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट मैसेज इन वेज दैट मेक इट हार्ड टू डी ठीक है एक ऐसे मैसेजेस होते हैं ये डिज़ाइन किए हुए जिनको कि डी करना बहुत हार्ड होता है एंड यूजर के लिए एंड जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है उसके पास वो कोड्स होते हैं ऑलरेडी इसलिए उनको बहुत ईजी हो जाता है उसको डी करने में ओके okay? सो so, कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं जो कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की जनरेशन में यूज होते हैं ठीक so, है सो वो एल्गोरिदम्स हैं डिजिटल साइनिंग डिजिटल साइनिंग वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्ट डेटा टू प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी वेब ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट इंटरनेट एंड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन्स कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन ठीक है अब ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद रखनी है ठीक है अब सबसे ज़्यादा जो है क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में ठीक है इसमें जो है एक ऐसा कोड होता है जो कोड हम लोगों को समझ नहीं आता वो चाहे आपका कार्ड हो लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो ठीक है वो सिर्फ जो हमारी एटीएम मशीन है या जो कुछ भी कार्ड रीडर मशीन्स होती हैं सिर्फ वही मशीन उस कोड को समझ सकती हैं अब जैसे कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती हैं जैसे कि माइक्रोडॉट्स माइक्रो डॉट्स अब माइक्रो डॉट्स आप सभी ने देखे होंगे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं या फिर जैसे हम लोग कोई स्कैन कर रहे हैं कुछ चीज़ तो वहाँ पे क्या होता है इस तरह का एक बॉक्स बना होता है ठीक है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग के डॉट्स ही होते हैं ठीक है सो जब हम उसको स्कैन करते हैं तो वो हमें एक्सेस मिल जाता है उस चीज़ का ठीक है सो वो होते हैं माइक्रो डॉट्स वो भी एक क्रिप्टोग्राफी के एग्जाम्पल है आई होप आप सभी ने वो देखे होंगे ठीक है नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है मर्जिंग वर्ड्स विद इमेजेस ठीक है मर्जिंग वर्ड्स विथ इमेजेस ठीक है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको इमेज के साथ मर्ज किया होगा एंड जैसे हम इंटेंडेड यूजर्स हैं तो सिर्फ हम उनको क्या है वो डी कोड कर सकते हैं सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि उसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा ठीक है एंड बहुत सारे और तरीके भी होते हैं जो कि हिडन इंफॉर्मेशन को जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं

टेक्सट मेड सच दैट इंटेंडेड रिसीवर ऑफ द टेक्सट कैन ओनली डी कोड इट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्रिप्शन ओके द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइफर टेक्सट इन टू प्लेन टेक्स इज कॉल्ड डिक्रिप्शन सो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता देती हूँ ठीक है so, सो दो टर्म्स होती है हमारे पास एक होता है प्लेन टेक्सट एंड दूसरी चीज होती है साइफर टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ठीक है जो भी हम लोग मैसेज बनाते हैं ठीक है ठीक है कोई भी मैसेज मैंने लिख दिया उस मैसेज को अगर मैं सिक्योर करना चाहती हूँ तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ कोड्स ठीक है उस कोड को बोलेंगे साइफर टेक्स्ट ठीक है एंड क्या होगा उस कोड को जब हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे तो उसको बोल देंगे इंक्रिप्शन ठीक है यानी कि हमने प्लेन टेक्स्ट में कुछ कोड्स ऐड करके उस कोड को क्या कर दिया सिक्योर कर दिया एंड दैट इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन यानी कि हमने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया ठीक है ये हो गया सेंडर साइड पे राइट right? उसके बाद क्या होगा यही मैसेज जब रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाएगा तो वो क्या करेंगे इस कोड को पहले इनक्रिप्टेड कोड को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे वापस यानी कि साइफर टेक्स्ट था ये साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग डिक्रिप्शन ठीक है वो हो जाएगा डिक्रिप्शन जैसे कि एक कोड दिया हुआ है ठीक है जैसे कि हमने माइक्रो डॉट्स की बात की थी वो इस तरह से कुछ बॉक्स में डॉट्स होते हैं ठीक है ये हो गया इंक्रिप्टिड डेटा ठीक है ये क्या है इंक्रिप्टिड डेटा है अब हम इस कोड को स्कैन कर लेंगे अपनी मशीन से अपने मोबाइल फ़ोन से ठीक है या जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं इसको स्कैन कर लेंगे एंड इसको स्कैन करने के बाद जिस भी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या किया साइफर टेक्स्ट को ठीक है ये क्या था ये था साइफर टेक्स्ट इसका मतलब ये हो गया कि हमने साइफर टेक्स्ट को एक्सेस कर लिया है यानी कि हमने इसको डिक्रिप्ट कर लिया है डी कोड कर लिया है ठीक है ये होता है एनकोडिंग ये होता है डिकोडिंग ओके सो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत ही बार ये यूज होने वाली है टर्म्स ठीक है सो इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद रख लेना है नाउ वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी ओके सो फर्स्ट फीचर जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी दट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ठीक है सो इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द पर्सन फॉर होम इट इज इंटेंडेड एंड नो अदर पर्सन एक्सपेक्ट हिम कैन एक्सेस इट ठीक है ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि डेटा जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल है वो सेफ है जिसके लिए बनाया गया है सिर्फ वही उस डेटा को रीड कर सकते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट होता है इंटीग्रिटी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड ठीक है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा सेंडर सेंड करेगा रिसीवर तक पहुँच जाएगा वो उसे वैसे के वैसा ही देख सकते हैं ठीक है थीके? वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते तो इंटीग्रिटी का यही मतलब है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन स्टोरेज और ट्रांजेक्शन बिटवीन सेंडर एंड इंटेंडेड रिसीवर विदाउट एनी एडिशन टू इन्फॉर्मेशन बींग डिटेक्टेड ठीक है सो so, ये बेसिक सी चीज़ थी नेक्स्ट जो है फीचर इसका वो है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन द आइडेंटिटीज़ ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स आर कन्फर्म्ड ठीक है तो सेंडर है ये रिसीवर है तो इन दोनों की आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो पहले ही कन्फर्म की जाती है फाइल्स को ट्रांसमिट करवाने से पहले इन दोनों की आइडेंटिटी को कन्फर्म किया जाता है इसके बीच में जो भी पाथ है जहाँ से फाइल्स को मूव होना है वो चीज़ों को भी क्या किया जाता है आइडेंटिफाई किया जाता है ठीक है एंड देर डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलसो कन्फर्म बिफोर ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड ठीक है सो ये होता है ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिप्यूडिएशन नॉन रिप्यूडिएशन ठीक है द क्रिएटर और सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट डिनाई हिज और हर इंटेंशन टू सेंड इंफॉर्मेशन एट लेटर स्टेज यानी कि वो मुकर नहीं सकते हैं ठीक है वो बाद में मना नहीं कर सकते हैं एक बार अगर फाइल जो है वो सेंडर साइड से रिस, रिसीवर साइड पे रिलीज़ हो गई ठीक है उसके बाद क्या होता है सेंडर मना नहीं कर सकता बाद में कि ये फ़ाइल मैंने ट्रांसमिट नहीं करवाई थी क्यों क्यों नहीं करवा सकते क्योंकि इनकी जो है ऑथेंटिकेशन पहले से ही प्रूव की जाती है ठीक है पहले से ही चेक किया जाता है कि ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है उसके बाद ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है इसीलिए क्या होता है यहाँ पे नॉन रिप्यूडिएशन होती है नॉन रिप्यूडिएशन को सिंपल हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं रद्द करना ठीक है किसी भी चीज़ को रद्द करना का मतलब होता है नॉन रिप्यूडिएशन एंड मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से काम करता है सबसे पहले होता है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ठीक है प्लेन टेक्स्ट होता है यानी कि सिंपल मैसेज है ठीक है ये क्या होता है रीडेबल होता है यानी कि कोई भी इसको पढ़ सकता है लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे हमें तो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करनी है उसको सिक्योर करना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देंगे इस प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर देंगे एंड ये बन जाएगा हमारे पास साइफर टेक्स्ट ये बन जाएगा साइफर टेक्स्ट ठीक है और साइफर टेक्स्ट क्या होता है नॉन रीडेबल होता है ये क्या होता है नॉन रीडेबल टेक्स्ट होता है ठीक है उसके बाद ये वाली जितनी भी प्रोसेसिंग होगी ये होगी सेंडर साइड पे ओके इसके बाद साइफर टेक्स्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे डिक्रिप्ट करेंगे एंड उसको क्या करेंगे वापस ये क्या बन जाएगा प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा एंड जो कि फिर से क्या होगा रीडेबल होगा एंड ये वाला जो प्रोसेस होता है ये होता है रिसीवर साइड पे ठीक है ये सेंडर साइड पे उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा एंड रिसीवर साइड पे उसको रिसीव किया जाएगा एंड डिक्रिप्ट किया जाएगा या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे इसको एनकोड किया जा रहा है एंड यहाँ पे इसको डिकोड किया जा रहा है ओके नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी सो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज सीमिट्रिक की सिमिट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ठीक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल की सिंगल की ठीक है single key. Single key, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक यानी कि सेम यानी कि सिंगल ठीक है एक ही की यूज होगी इंक्रिप्शन के लिए भी एंड एक ही की यूज होगी डिक्रिप्शन के लिए भी ठीक है इट क्रिएट अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ बिट्स इट क्रिएट अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ बिट्स Fixed length of bits known as block cipher. Known as block cipher. विद अ सीक्रेट की दैट द क्रिएटर और सेंडर यूजेस टू इनक्रिप्ट डेटा एंड रिसीवर यूजेस टू डिक्रिप्ट इट ठीक है सिंपल सी चीज़ है सीमिट्रिक यानी कि सेम या सिंगल एक ही की यूज़ होगी इंक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन के लिए भी यहाँ से अगर कोई एक की मान लीजिए ट्वेल्व की यूज़ कर रहा है कोई ठीक है वही की डिक्रिप्शन के लिए जो है वो रिसीवर भी यूज़ करेगा यही कोड होगा ओके ये होता है सीमेट्रिक की केस में सीमिट्रिक के सिस्टम्स आर फास्टर एंड सिंपलर, बट द प्रॉब्लम इज दैट द सेंडर एंड रिसीवर हैव टू समहाव एक्सचेंज की इन सिक्योर मैनर ठीक है अब जैसे एक मेरे पास मान लीजिए एक फ़ाइल है ठीक है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल है वो मैंने किसी दूसरे पर्सन को देनी है ठीक है तो हमारे बॉस ने क्या किया हमें बोला कि एक की होती है ठीक है मान लीजिए एक कोड है हमारे पास हम बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन मेरे कान में आकर के एक्स वाई जेड बोलेगा सिर्फ उसी पर्सन को ये फ़ाइल देनी है ठीक है तो ये बात मुझे भी पता होनी चाहिए जो फाइल देने वाला है एंड जो फाइल रिसीव करने परसन आया है उसे भी ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड हमारा कोड है ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि जब कोड हम दोनों को हमारे जो सीनियर्स हैं या जो भी है वो बता रहे थे तो किसी थर्ड पर्सन ने वो कोड सुन लिया ठीक है एंड वो थर्ड पर्सन बीच में आ गया एंड वो फाइल ले गया मेरे हाथ से ठीक है तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस वजह से राइट right? तो सिमिट्रिक की में जो है वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी को ये की जो है पता चल जाती है सीक्रेट की जो होती है वो पता चल जाती है तो इससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस होने के चांसेज हो जाते हैं ठीक है द मोस्ट पॉपुलर सिमिट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इज़ डी ई एस डी ई एस स्टैंड फॉर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है ठीक है ये जो है मोस्ट पॉपुलर सिमिट्री की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है ओके सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है हैश फंक्शंस हैश फंक्शंस ठीक है तो हमारे पास क्या होते हैं हैश फंक्शंस देयर इज़ नो यूजेज ऑफ एनी की इन दिस एल्गोरिथम अ हैश वैल्यू विद फिक्स लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर कंटेंट्स टू प्लेन फॉर कंटेंट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड ओके मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हैश फंक्शंस टू इंक्रिप्ट द पासवर्ड ठीक है सो हैश फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉरी सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स ठीक है सो यहाँ पे एस एच ए वन एस एच ए टू एंड एस एच ए थ्री ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये जो है वो की यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ इसमें एक फ़िक्स लेंथ का एक वैल्यू होती है हैश वैल्यू होती है जो कि फ़िक्स्ड लेंथ की होती है एंड फिर उसी को कैलकुलेट किया जाता है प्लेन टेक्स्ट के साथ ठीक है थर्ड टाइप होता है ए की एसमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ठीक है एसमेट्रिक की को बोलते हैं पब्लिक की ठीक है सिमेट्रिक का मतलब था सेम एसमेट्रिक का मतलब होता है पब्लिक ओके इट यूज़ अ पेयर ऑफ कीज़ अ पब्लिक की एसोसिएटेड विद द क्रिएटर इसमें जो पब्लिक की होती है वो क्रिएटर के साथ होती है ओके एंड प्राइवेट की एंड जो प्राइवेट की होती है ठीक है वो होती है सेंडर के साथ सॉरी uh, रिसीवर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जाम में पूछा गया है कि जो पब्लिक की होती है वो कौन यूज करता है क्रिएटर या फिर रिसीवर ठीक है सो क्रिएटर यूज करता है पब्लिक की एंड रिसीवर यूज करता है प्राइवेट की ओके टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शंस आर आल्सो यूज्ड विद पब्लिक की इसका ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए ये एक कोड है ये रिलीज़ किया गया ठीक है एंड इसमें पहले पब्लिक की यूज़ होगी तो ये पब्लिक की अगर सबको पता है ठीक है लेकिन फिर भी इसे सब लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि इनक्रिप्ट तो क्या होगा ये पब्लिक की से हो जाएगा लेकिन जिस पर्सन के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी के पास उसकी प्राइवेट की होगी एंड सिर्फ वही पर्सन क्या कर पाएगा उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा ठीक है तो ये भी क्या है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मेथड है यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है कि पब्लिक की जो होती है वो यूज़ होती है इंक्रिप्शन के लिए एंड प्राइवेट की यूज़ होती है डिक्रिप्शन के लिए ठीक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टू मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से यही आएगा ही आएगा ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थैंक यू